आपका ब्लड तो वही है जो हम लोगों का था, बाई रेस तो वही है, फिर भी एक तरफ बर्बादी का मंजर और एक तरफ खुशहाली का मंजर। आपके यहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का चीफ है और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्या नडेला हमारे यहां से आता है। दुनिया को पता है, दुनिया को पता है वो कहां से ट्रेन होते हैं, कहां से आते हैं तालिबान, वो कहां पे कौन से कंट्री उनको सपोर्ट किया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इस बच्ची से जबरदस्ती आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों आज जो हम डिबेट देखने वाले हैं उसमें आप पाकिस्तान से कमर चीमा और मोना अली को देखेंगे और अफगानिस्तान से अभी भारत आई हुई मुस्कान नाम की लड़की को आप इस डिबेट में देखेंगे। दोस्तों जब न्यूज एंकर ने अफगानी लड़की से ये पूछा कि आपको बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किनका है, तो अफगानी लड़की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मोना अली खान और कमर चीमा को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी और अफगानी लड़की पर कमर चीमा बहुत ज्यादा भड़क गया, तो अफगानी लड़की ने कमर चीमा को उसकी औकात दिखा दी। वहीं दोस्तों जब मोना अली खान के द्वारा कश्मीर मुद्दे पे बात की गई तो भारत की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर कमर चीमा और मोना अली दोनों की बोलती बंद हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। कमर चीमा जी अफगानी नागरिक है, राजधानी दिल्ली में है मुस्कान। वो कह रही है अफगानिस्तान की मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है और ये 24 घंटे भी बहुत अहम होने वाले हैं, खासतौर से मुस्कान जैसे नागरिकों के लिए जो अभी भी अफगानिस्तान में हो और जो तुरंत अपने मुल्क को छोड़ देना चाहते हैं। सीधे पाकिस्तान जिम्मेदार है इस हालात के लिए। कमर चीमा, मैं बस अपनी बहन मुस्कान को यह बताना चाहता हूं कि इनके लाखों अफगान बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पनाह लेके बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो फौज है और इनकी जो हुकूमत है वो इनको छोड़ के चली गई है। मेरी बहन इंडिया चली गई, अगर इनके जो बाकी बहन भाई पाकिस्तान आए हैं जरा उनको भी फोन करके पूछें कि वो किस तरह मजे की जिंदगियां गुजार रहे हैं। बोझ पाकिस्तान पर है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ पड़ेगा जब इतने रेफ्यूजीज आएंगे। पिछले 40 साल से लाखों अफगान बहन भाइयों को पनाह दी, लेकिन मेरी बहन इंडिया जाकर अगर पाकिस्तान को गालियां देगी, पाकिस्तान को इल्जाम ठहराएगी तो इसकी मर्जी है, ये जो मर्जी कहे कोई बात नहीं। हमारे मजहब में हम अपनी बेटियों बहनों की इज्जत करते हैं, लेकिन अपने जिस मुल्क का आप एहसान हो उस पर इल्जाम नहीं लगाते। अगर पाकिस्तान ने आप पे एहसान किया तो उसकी दाद दें, आपके लिए बॉर्डर खोले, हॉस्पिटल खोले, लेकिन आप इंडिया में जाके मैं एक बात बताती हूँ सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये मेरा पर्सनली इल्जाम नहीं है, ठीक है, मैं पर्सनली इल्जाम नहीं लगाती हूँ, ये पूरा अफगान लोग का इल्जाम है, ये पूरा अफगान लोग बताती है, मैं नहीं बताती हूँ। जितने अफगान लोग वहां पे रह रहे, जितने लोग भी है, आप उससे पूछिए, वो लोग नहीं कहते हैं क्योंकि वो वहां पर रह रहे, उनका मजबूरी है कि कुछ ना कहे। मेरा क्या मजबूरी है, ना कोई मुझे मजबूर कर रहा है, ना कोई फोर्स कर रहा है, ये तो है। मुला बरादर जो वहां पे आया है, जो अभी मुला बरादर के नाम से आया है काबुल अफगानिस्तान में, उसका आईडी क्या है, उनका आईडी क्या है, वो पाकिस्तानी है कि नहीं, वो पाकिस्तानी है कि नहीं, उसका वो कहां से है? आप लोगों को शर्म नहीं आती शर्म आपको आनी चाहिए। और मुस्कान, एक सेकंड कमर चीमा, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी और कमोडोर विजय सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ठीक है। सुधांशु जी सीधे आपका रुख करते थे, क्योंकि 24 घंटे के बाद वहां से अमेरिकी सेना की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो जाएगी, भले ही उसके बाद भी कुछ लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी रहे, लेकिन ये 24 घंटे हिंदुस्तान के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। ऐसे अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए और यहां से जिस तरह की चुनौतियां पनपेंगे उसके लिए हिंदुस्तान की क्या है तैयारी? सुधांशु चित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और काबुल के हालात पे जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे बरबस याद आ जाता है कि ये वो देश है जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि ऑक्सफोर्ड कहलाती, सबसे पुरानी, और उससे बहुत पुराने बैतुल हिकमत बगदाद का, उससे 1500 साल पुरानी, दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर जिस जमीन पे था, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर का सेंटर आज उस जमीन के ऊपर है। और उसके बाद इनको किसी प्रकार का, जिसे कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं है।
आत्मावलोकन नहीं है। अच्छा चलिए अफगानिस्तान वालों को आप कह देंगे, वो आरोप लगा रहे हैं कमर चीमा साहब आपके ऊपर, बलूच आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, कश्मीरी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, सिंधी आपके ऊपर, मुहाजिर अब बताइए आपके ऊपर, अहमदिया और बंगाली जो आपके हिस्सा थे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कमर चीमा, चुनाव जीतने के बाद नहीं दिया था। आईना देखिए और देखिए कि आप लोगों का चेहरा कितना काला है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। देखिए जितना जाहिर है मैं मुस्कान के साथ पूरी अपनी सॉलिडेरिटी रखती हूँ, हम तमाम को रखनी चाहिए और हम तमाम रखते भी हैं, इवन चीमा साहब ने मुझे लगता है उनके साथ पूरी सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। लेकिन देखिए बात यह है कि ये जो आप ब्लेम लगाने की, एक पाकिस्तान पे आप इसका मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। मुस्कान आपकी बात से सहमत सहमत नहीं है, मुस्कान वो कुछ जोड़ना चाह रही हैं? नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो इन्होंने बोल रहे अपने देश से तरफदारी कर रहे, जो आपका देश का साइड ले रहे, ठीक है उनका देश है, लेकिन ये मैं इल्जाम भी नहीं लगा रही हूँ, कोई हमें फोर्स भी नहीं कर रहे, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है वो कहाँ से ट्रेन होते हैं, कहाँ से आते हैं तालिबान और कहाँ पे कौन से कंट्री उनको सपोर्ट किया है, ठीक है कि ये मैं बताती हूँ। लेकिन ये मैं आप सोचिए कि मैं पूरे अफगान लोग की तरफ से बताती हूँ, पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस बात को समझना चाहिए। मोना देखे तो आप जरा अपने यहाँ पर निकलकर कभी मुसलमानों से, दलित से पूछे, उनको कभी मिली है हकीकी आजादी? कश्मीर से पूछे, उनको मिली है हकीकी आजादी? ये देखिए अगर इस तरह से आप हमारी ऊपर बात करेंगे तो मैं भी आप पे बहुत सारी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ टॉपिक पे स्टिक करना चाहती हूँ। बात कर रही है तो जवाब भी सुन लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी वो आपको कश्मीर याद दिला रही है और देश के भीतर भी बहुत, जब आप सुन लीजिए ना मोना आलम, अब सवाल खड़े कर दिए। जरूर सुनाइए। देखिए आपने कहा कि आजादी की बात, पहली बात तो आपको मुस्लिमों की बात करनी हो तो मैं फिर आपको सिर्फ यही कोट किए देता हूं कि सिर्फ किसी भारत के व्यक्ति ने नहीं कहा ना, बीजेपी के व्यक्ति ने कहा, मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार हुए बीबीसी के, जो 26 साल हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे लकीएस्ट हैं, दे आर द लकीएस्ट। क्यों उन्होंने लिखा? चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा, एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा कोई मुस्लिम देश होता तो 26 साल ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, ये इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे लकी हैं कि वो यहां पर रह सकते हैं। अब ये बताइए, हमारे जमाने में जहां सूफी मजारे होती थी, सूफियों के चार सिलसिले थे, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, आज कितने बचे कश्मीर में, कितने बचे अफगानिस्तान में और कितने बचे पाकिस्तान में, बताइए? सब कुछ तो खत्म हो गया, चाहे बड़े से बड़े गायक रहे हो, फनकार रहे हो या शायर रहे हो, अब कितने होते हैं पाकिस्तान में? यहां तक कि अगर बॉलीवुड के भी एक्टर होते तो हमारे यहां के हैं जिनके दीवाने आपके यहां से लेके और मिडिल ईस्ट तक लोग हैं, चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या दिलीप कुमार हो, आपके यहां कौन पैदा हुआ भाई? जब एक बार आप अगर इस तरह की टेररिज्म की चीजों पर आ जाते हैं ना तो सब कुछ खत्म हो जाता, जबकि हकीकत में आपका ब्लड तो वही है जो हम लोगों का था, भाई रेस तो वही है, फिर भी एक तरफ बर्बादी का मंजर और एक तरफ खुशहाली का मंजर। आपके यहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा का चीफ है और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला हमारे यहां से आता है, गूगल का चीफ हमारे यहां से आता है सुंदर पिचाई, और बड़ी बड़ी कंपनियों को उस पर, पेप्सी की सीईओ इंदिरा नुई हमारे यहां से आती है, आप क्या लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद और इसके चीफ आते हैं? सोचिए, ये बात करने की बात नहीं है, आप समझदार हैं, कम से कम कमर चीमा जी आप लोग सोचना चाहिए आपने अपनी आवाम को किस हालात में पहुंचाया, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कमर चीमा जी आपको भी और मोना आलम आपको भी, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो सच्चाई आपको कड़वी दिखाई दे रही होगी, अब जब ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, कम से कम सच का साथ देते हुए आप लोग नजर आए।